उदों तक पारदर्शिता नहीं आ सकती जिनी चेर तक दोबारा जनरल इलैक्शन नहीं होंगी तो मैंबर आजाद चोन कर लड़के नहीं आते। नंबर एक। नंबर दो, जिहड़े व्यक्ति केवल यही सोचते हैं कि असी अपने हुक्म नाल जिन्हों नामजद करांगे उही प्रधान बने वो तो ही सर्वसम्मति हो मन च भुलेखा वह कटने वास्ते असं तुरे हैं। साड़ी लड़ाई कुर्सी दी नहीं, कुर्सी तो बिना ही मैं इन्हों तो भारी है, फिर मैं तो डरते क्यों है? जे मेरे पल्ले ही कख नहीं कहिंदे पल्ले ही कख नहीं फिर डरते क्यों होंगे? माड़ा जिहा मैं कहा सी तां फटाफट 1-2-1 1-2-1 शुरू हो गए मैंबरां नाल ते उदों डरे क्यों सी? मेरा कहने तो भाव है कि साड़ी लड़ाई है कि पंथ जो चाहुंदा है वह करिए। पंथ चाहुंदा है कि किसी भी सियासी पार्टी की बिना वजह तो ये दखलअंदाजी ना हो, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल बनाया सी एक वार की तरह एक टास्क फोर्स कि साड़ी श्रोमणी कमेटी ते कोई आफत आ जाए कोई विपता बन जाए कोई कमजोरी आ जाए तो संघर्ष करके साड़ी वार्ड बढ़ के काम करे। पर जे वार्ड ही टुट के वार्ड ही खेत नूं खाण लग पे फिर दसो तो भला कित्थों? बाकी सियासी पार्टियां ने अज तक मैनू लगता कोई दखलअंदाजी नहीं की। बीबी जी बादल साहब का तुम कहने सियासी पार्टी असं क्योंकि तुहाडे सवाल ही असं उन्हां अगे करदे हैगे आ तुहाडी गल उन्हां दे नाल रखदे हैगे आ असं ये गल की कहिंदे ढींसा साहब कौन ने? बलवीर सिंह कौंस भी इन्होंने कढ़िया वो याद है अजे तक किसी पार्टी नूं ज्वाइन नहीं किया। एक भी ऑडियो मेरा ना लैके सुना दो लालपुरे चलो छड़ी सियासत छड़िया सब कुछ कभी जिंदगी च नहीं श्रोमणी कमेटी में चोन लड़नी कहांगी। जे किसी बीजेपी नाल मेरी कोई गल हुई हो किसी ने मेरे प्रति कोई टेलीफोन किया हो किसी ने ऑडियो चलाई हो एक भी कढ़ के दिखा दो मैं किसी ने भी नहीं जिंदगी च नहीं मेरी गल तो रब नाल ही है गुरु रामदास नाल। बीबी जी सच्चे पातशाह तेरे घर में जिहड़ियां कमियां आ रही ना जिहड़ी अज इत्थे गै बेहुरमती हो रही है जेड़ा गुरुद्वारा सुधार लहर चला के श्रोमणी कमेटी पैदा की थी उसके ऊपर पहरेदारी करने का सानू मौका दे। बीबी जी ये क्या जा रहा है प्रधान जी ना गल हुई सी ये क्या तो मेरे बारे कोई गल नहीं मैं तो दस रहा हूं ये गल हुई सी असि क्या सीगा कि वो कहंदे बीबी जी आप लड़ लैन उन्होंने हार देख रही सी इसे करके घुन्ना साहब ने उन्होंने अगे किया हारी तो मैं पिछली बारी भी सी उदो मैं क्यों लड़ी गल हार जित दी नहीं है गल तो है कि सच की आवाज़ उठाने की सच नाल किन्ने तुरदे आ ये उन्होंने मर्जी है मैं कोई खरीद के नहीं लियाने जिदा इन्होंने खरीदे सी मैं किसी प्रेशर नहीं पाना जिदा इन्होंने पाया सी मैं कोई चुके मैंजरां दे झोली विच नहीं पाने कि तू मैंजरां इहनू वोट पा तू इहनू वोट पा किसी लीडर की अगवाई च नहीं चल रहे हो। जे अज असी खड़ा किया सरदार बलवीर सिंह नूं इन्हां ने 10 वारी कहा कि इहनू प्रधान बनावांगे पर उन्होंने कभी मौका नहीं दिता बेचारे जो उन्हें आज की किया कि बीबी जी मैनू मौका दे दो असं मौका देता मैं डिक्टेटर थोड़ू है। तुहानूं लगता कि यह इजलास जिहड़ा अज होने जा रहा है यह आखिरी है इन्हां दा इस तों बाद इजलास नहीं होगा क्योंकि मैं लगता है मैंबर यह जो मैंबर है चोणां ही होणगियां इस तों बाद यह मैंबर भी शायद पुराना कोई घट ही आए उन्होंने दिसदा कि असं मुड़ के मैंबर नहीं बनना इस करके आखिरी बारी बाद हो जाए। बिल्कुल वड्डा बयान दिता है बीबी जगीर कौर ने कि इजलास जिहड़ा आखिरी इजलास है।